गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आपके खिलाफ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कोख स्तंभन, विदूषण, अम्लीय सिपली, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया है। यह हस्त्रे का परीक्षण, जनपत्री परीक्षण, मैनुअल जनपत्री निर्माण, ग्रह शांति, सुंदरकांड, महामृत्युंजय जप, विवाह आदि संस्कारों के लिए गुरुजी से इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 98072223 व्हाट्सएप नंबर 98072223। 21 सितंबर शनिवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081 शक संवत 1946 सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु अश्विनी मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्र में 11:23 तक रहेगी, तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र दिन में 8:07 तक, तदुपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। व्याघात योग सायंकाल 5:53 तक रहेगा, इसके बाद हर्षण योग आरंभ होगा। बावकरण दिन में 12:35 तक, बालोकरण रात्र में 11:23 तक रहेगा। दिशा सूर्य पूर्व दिशा, परिहार अदरक। पूर्व दिशा की यात्रा आज के लिए ठीक नहीं है, अगर आप अदरक खा की यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 5:59 पे, सूर्यास्त सायंकाल 6:01 पे। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, चंद्रवास पूर्व दिशा। आज पूरब दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल प्रातः 9:30 से 10:30 तक, गुलिक काल प्रातः 6:30 से 7:30 तक, यमगंड काल दिन में 1:30 से 3:00 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों ही काम गुलिक काल में प्रारंभ करें या हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्तों में अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपके सफलता के योग बन जाते हैं। चतुर्थी श्राद्ध है आज और संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी होगा। अब आइएगा काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी के लिए। शनिवार देखिए, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6:00 से होती है, इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम 6:00 से होती है। तो आज शनिवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है। बाल 10:48 से 11:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ। युवा 11:36 से 12:24 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल। प्रौढ़ 12:24 से 1:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान शुभ। वृद्ध 1:12 से 2:00 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अब महेंद्र काल आ गया। महेंद्र काल 5:12 से 5:24 तक किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय। युवा 5:24 से 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय। प्रौढ़ 5:36 से 5:48 तक किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। वृद्ध 5:48 से 6:00 तक प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा।
तो ये तो रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आइएगा रात के लिए। रात की शुरुआत जो है अमृत काल से शुरू हो रही है। बाल है 8:24 से 9 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ। युवा 9 बजे से 9:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल। प्रौढ़ 9:36 से 10:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ। वृद्ध 10:12 से 10:48 तक किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर अमृत काल रिपीट किया। बाल 12:24 से 1 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 1 बजे से 1:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 1:36 से 2:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 2:12 से 2:48 तक किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। अमृत बाल 4:24 से 4:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 4:48 से 5:12 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 5:12 से 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 5:36 से 6 बजे तक किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय रहेगा। ये रहे आपके काल निर्णय के आधार पे रात और दिन के शुभ मुहूर्तों की जानकारी। फिर हम अपनी बात कह देना चाह रहे हैं, काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय की शुरुआत काल निर्णय के हिसाब से रात्रि की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष के इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए शुभ मुहूर्तों से आपने लाभ उठाया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। जय माता दी।